I guess we can start. So hi everyone. So my name is Rijraj and I'm leading this tech ferment community. And I'm a tech lead and I'm a Google developer expert for the web and Firebase technology. And today we are going to talk about the backend technologies. And here we have Anubhav. He is a SDE, the software engineer at RiotSonic. He has a great experience in building backends. And he'll talk about like how we can make the backend applications, what will be the best practices to follow for making this entire backend business project. So over to you. Hey, so just one thing. किन लोगों ने अभी तक बैकएंड का एटलीस्ट सुना भी है, लाइक बैकएंड डेवलपमेंट क्या होती है? दोस ऑफ सम आइडिया, यू कैन मेबी रेज योर हैंड और सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. आई जस्ट पुट टुगेदर अ कपल ऑफ स्लाइड्स, मेबी लाइक 3-4, एंड डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च इन बिल्डिंग दिस साइट. सो जस्ट बेयर विद मी फॉर द नेक्स्ट से 40 मिनट्स 50 मिनट्स. या सो बिल्डिंग बैकएंड्स, हाउ टू सस्टेन and scale the system to millions, right? So, web one mein kya hota tha? We had websites or web apps. These were just static pages. For example, if I have to build a page, you have to go to google.com. Everything was hard-coded. Like people would write Google here using HTML and stuff. And every page was sort of hard-coded, right? But web two mein kya hua? We started getting interactions. So there are certain components into the talk that we are going to cover. Like first we'll see the need for backend. कि हमें backend चाहिए क्यों? सब कुछ frontend में क्यों नहीं हो सकता? या फिर सब कुछ JavaScript के through frontend में क्यों नहीं handle कर सकते? Authentication कैसे manage करते हैं फिर backend पे? Authentication flow कैसे चलता है? Authorization कैसे होती है? And then the main part of the आपकी if you are a full stack developer or a backend developer, almost half of your time goes into building APIs or say working with communication. कम्युनिकेशन है, हर चीज को अगर हम देखें कि एक सर्विस है. फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रंट एंड कोई सर्विस सोचें, इट्स अ सर्विस राइट, जो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रही है. और बैक एंड है जो फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. टू मैनेज दैट कम्युनिकेशन या फिर जो इंटरेक्शन को मैनेज करना, दैट्स समथिंग क्रिटिकल, दैट्स समथिंग दैट नीड्स थॉट्स एंड डिसीजन ऑन, सो दैट वी कैन स्केल बेटर राइट. तो कम्युनिकेशन कैसा होता है? वी कैन बी सिंक्रोनस, वी कैन बी एसिंक्रोनस. और लास्ट में हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लाइक डाटाबेस डिजाइन. डाटाबेसिस क्या होते हैं? सब लोगों ने ऑलमोस्ट कौन से इयर्स, जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द ऑडियंस, मेबी चैट में डाल दो. और यू कैन मेबी स्पीक इफ यू फील लाइक. फर्स्ट ईयर से कौन कौन है? या कोई भी नहीं है? लेट्स कंटिन्यू. तो एट लास्ट वी विल सी द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, क्योंकि बैकएंड पे वी नीड अ लॉट ऑफ स्केलेबिलिटी एंड लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू स्केल द सिस्टम एंड सेव आवर कॉस्ट. बिकॉज़ जितना एफिशिएंट सिस्टम डिजाइन करेंगे उतनी एफिशिएंट कॉस्ट होगी, एंड दैट्स व्हाट इंडस्ट्री वांट राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैकएंड राइट? आई रियली रिसर्च्ड इनटू दिस मीम्स एंड स्टफ. या सो अगर हम किसी भी वेब ऐप पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आई विल गो टू google.com राइट, एंड आई विल जस्ट ओपन द नेटवर्क टैब हियर. जस्ट चेक दिस आउट. सो ऑल दिस एपीआई कॉल्स आर फेचिंग डाटा फ्रॉम बैकएंड. बट व्हाई? लाइक बैकएंड और फ्रंट एंड में हमें डिफरेंस क्यों चाहिए? फॉर एग्जांपल आई गो टू से दिस वेबसाइट राइट, आई जस्ट गो टू माय अकाउंट. तो वी गॉट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग राइट. इसमें इसको जेसन कहते हैं हम. जेसन के जेसन पता सबको क्या क्या होती है? हेलो, इट विल बी अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन एंड टू एंड फ्रो. सो आई नीड सम इंटरेक्शन, सम पार्टिसिपेशन. कूल. सो जेसन इज सॉर्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंटेशन राइट. इट्स सॉर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट स्ट्रिंगिफाइड आइड से. लाइक इसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं. की मतलब की जो उसको डोनेट कर, लाइक की एक प्रॉपर्टी का नाम है और वैल्यू उसकी वैल्यू है एज द नेम गोस राइट. जैसे नाम, नेम अनुभव गुप्ता, ईमेल मेरी ईमेल आ गई उसके बाद. अच्छा, और ये कितना भी नेस्टेड हो सकता है. लाइक एक ऑब्जेक्ट के अंदर अगला ऑब्जेक्ट हो सकता है. जैसे यूजर है, यूजर के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बना दो, यूजर डिटेल्स इनको, इट विल कीप ऑन गोइंग. और इस स्ट्रक्चर को ही डिफाइन करना इज लाइक क्वाइट इंपॉर्टेंट
क्योंकि फ्रंट एंड को इस स्ट्रक्चर से समझ आता है किसके पास क्या क्या अवेलेबल है, राइट? तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बैक एंड एंड फ्रंट एंड. फ्रंट एंड इज समथिंग दैट यू कैन सी हियर, बट बैक एंड इज समथिंग दैट्स प्रोवाइडिंग दिस डेटा और दैट इज एग्जीक्यूटिंग ऑल द बिजनेस लॉजिक एंड मेकिंग यू अवेयर ऑफ थिंग्स, राइट? मेकिंग द फ्रंट एंड अवेलेबल विद डेटा दैट दैट कैन बी इंटरेक्टेड और ऑपरेटेड विद. जैसे अगर मान लो मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ या फिर आई जस्ट टू डू docs.new, राइट? तो इसमें फ्रंट एंड क्या है? फ्रंट एंड इज दिस इंटरफेस जो मुझे मिला हुआ है. अगर मैं उसको टाइप कर रहा हूँ तो आई कैन टाइप एनीथिंग, राइट? जो मैं टाइप कर रहा हूँ ये फ्रंट एंड पे जा रहा है पहले, और साथ ही में इससे नेटवर्क कॉल्स जाएंगी, नेटवर्क कॉल्स भी उसको सेव करती रहेंगी. ये देखो सेव करने की नेटवर्क कॉल्स जा रही है, राइट? और इसमें एक गूगल के बिजनेस लॉजिक के अकॉर्डिंग डेटा सेव होता रहेगा. डेटा क्यों सेव हो रहा है? क्योंकि अगर मान लो मैं इसको रिफ्रेश कर दूं पेज को, तो मुझे वो स्टेट को परसिस्टेंटली मेंटेन करना है, राइट? और अगर मैं इसको किसी और ऐप पे खोल लूं, लाइक अपने फोन में खोलूं सेम डॉक्यूमेंट को, तो वहां भी मुझे ये चीज चाहिए. तो ये डेटा एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे सेव करना पड़ेगा अपने को. दैट्स व्हाई वी नीड बैकएंड. मतलब अगर कुछ समझ आ रहा है, जस्ट गिव मी अ हाई थम्स अप और समथिंग. So I'll just go through JSON once. जैसे ये एक JSON editor, right? It can be anything, like ये object type, for example. इसमें से एक property है name. और JSON valid होनी बहुत जरूरी है. Like अगर मैं कुछ भी गलत करता हूँ, कुछ mistake करता हूँ इसमें, तो I'll get a syntax error, right? तो JSON valid नहीं होगी. और अगर JSON invalid है, तो we have to throw errors and stuff. We'll look into it. तो नेम मेरा है राइट, और से रोल्स, व्हाट एवर रोल्स दैट आई हैव प्लेड टिल नाउ. अब एरे हो सकता है. एरे के अंदर हम वी कैन डू मल्टीपल डिटेल्स. स्पेस, या स्पेस से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम ह्यूमन एंड I can do testing and multiple things, right? So array store कर सकते हैं हम, और object भी store कर सकते हैं. For example, ये तो grammar भी ignore कर grammar में red side. उसके बाद say my job details. तो ये एक sort of एक data structure बन गया, right? जिसके अंदर सारा कुछ डिफाइंड है. तो जॉब डिटेल्स के अंदर मान लो सैलरी हो गई, नंबर्स में आ सकता है, राइट? वी कैन कीप मल्टीपल फॉर्मेट्स हियर, ऐसा. तो दिस इज कॉल्ड जेसन. ये निशांत कुमार सिंह मतलब जेसन का आइडिया थोड़ा सा क्लियर हुआ? हाँ, अभी समझ आया कुछ. पाइथन मेरे को आता उसके इसके जैसा है, डिक्शनरी के जैसा. डिक्शनरी जैसा, या एग्जैक्टली. तो डिक्शनरी को हम डायरेक्टली जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं और जेसन को डिक्शनरी में. तो अगर मैं पाइथन में काम कर रहा हूँ तो ठीक है. और मान लो डिक्शनरी है, ये है डिक्शनरी, राइट? तो जेसन इक्वल्स टू क्या होगा? तो मुझे क्या बन जाएगा इसका? जेसन मिल जाएगा. बेसिकली डिक्शनरी को अगर हम सॉर्ट ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें तो वो जेसन मिल जाता है. इसमें काफी चीजें होती हैं. कुछ चीजें होती हैं जो जेसन सीरियलाइजेबल नहीं होती. विल कम टू इट जैसे जैसे हम प्रोसीड करते हैं, राइट? अब बैकएंड हमें चाहिए होगी. फॉर एग्जाम्पल आपने पेमेंट करनी है या फिर आपने कोई भी क्रिटिकल बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं अमेजोन पे जाता हूँ, आई हैव बीन लुकिंग इनटू गुड स्टफ. मान लो मुझे ये चाहिए, I'll get fresh keys, new वाले नहीं लेने. मान मुझे ये चाहिए, ये भी refurbished, चलो whatever, ठीक है. अब ये कितने के हैं? It's around 12,000, right? अभी मैं क्या करता हूँ, 11 रुपये का कर देता हूँ उसको मैं. रुपये सिंपल रह गया, 2 मिनट, I'll just reload, ठीक है. 11 रुपए के रह गए, जो भी मैं इसको ऐड टू कार्ट कर देता हूँ.
बता ये कार्ट आ गया, अब कार्ट में मैंने ऑर्डर प्लेस करना राइट। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, काफी यूज केसेस हो सकते हैं, काफी अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं। ₹11 का अब मैं प्रोसीड टू बाय करूंगा, इसको भी चेंज कर देता हूँ, जितनी जगह दिख रहा है सबको चेंज करके मैं 11,000 का 11 कर दूंगा राइट। तो आई जस्ट डू प्रोसीड टू बाय। अब प्रोसीड टू बाय करने के बाद ये 11,000 दोबारा कैसे आ गया सोचो, क्योंकि मैंने तो 11 इसको एडिट कर दिया था। जस्ट थिंक वंस कि मुझे बैकएंड की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो भी फ्रंट एंड पे है ना वो सारा कुछ यूजर मैनिपुलेट कर सकता है, तो मुझे एक सोर्स ऑफ ट्रुथ चाहिए मेरे डेटा के लिए, या फिर मुझे एक स्टोरेज चाहिए मेरे डेटा के लिए। अब उस स्टोरेज में अमेजोन के उस डाटाबेस में इसको 11,893 11,893 पे स्टोर करा हुआ उन्होंने। जब भी कोई क्रिटिकल बिजनेस लॉजिक होगा तो हम उसको बैकएंड से दोबारा फेच करके फिर यूजर को शो करेंगे ताकि कुछ मैनिपुलेशन ना हो। और अभी फॉर एग्जांपल मैंने कोई एपीआई कॉल करनी है से मान लो मेरे पास एक की है एक, की इक्वल्स टू से बड़ी सेंसिटिव की है जिससे मेरे क्रेडिट्स कटते हैं, मान लो चैट जीपीटी का एपीआई की है मेरे पास और हर एपीआई कॉल पे ₹10 कट रहे हैं मेरे, तो इस एपीआई की को मैं कहाँ रखूंगा? इस एपीआई की को मैं फ्रंट एंड पे भी रख सकता हूँ, लाइक डायरेक्टली फ्रंट एंड से कॉल कर सकता हूँ मैं चैट जीपीटी के एपीआई का, बट द थिंग इज नेटवर्क टैब में मुझे डायरेक्टली वो की दिख जाएगी यहाँ पर, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेरी है उसके हेडर्स में मुझे डायरेक्टली टोकन या की सब मिल जाएगा राइट। तो सिक्योरिटी अपने डाटा को अपनी कीज को अपने बिजनेस लॉजिक को सिक्योर करने के लिए वी नीड अ बैकएंड सिस्टम। तो बैकएंड हम कहीं भी लिख सकते हैं, जावा में लिख सकते हैं, पाइथन में लिख सकते हैं, बट आपको एक सोच आनी चाहिए कि बैकएंड को डिजाइन कैसे करना है या फिर बैकएंड को स्केलेबल कैसे बनाना है। तो वंस यू स्टार्ट थिंकिंग दिस वे तो लैंग्वेज डज नॉट मैटर। अगर मान लो आप जावा में कर रहे हो या फिर से गो लैंग्वेज बैकएंड कर रहे हो और आपको क्योंकि पाइथन में एक सर्विस लिखनी है, यू शुड बी कंफर्टेबल बिकॉज में सोचना आना चाहिए कि बैकएंड में डिजाइन, वंस यू हैव द डिजाइन तो उसको हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं राइट। तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होना चाहिए। और लेट्स तो समझ आया अपने को बैकएंड क्यों चाहिए, किसी को कोई डाउट हो? हेलो किसी को कोई डाउट हो? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बैकएंड और फ्रंटएंड के साथ कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं हम? तो बैकएंड अगर किचन है तो फ्रंटएंड है जो कंज्यूमर है, जो क्लाइंट है, जो एंड पे जिसको डेटा चाहिए, डेटा इज फूड ऐसा सोचो। तो फूड को सर्व कौन करता है, मतलब बैकएंड से लेके फ्रंटएंड में देता कौन है? वेटर्स राइट। तो वेटर्स क्या है? एपीआईज, एपीआई होता है एप्लीकेशन। तो व्हाट वी विल डू इज एपीआई काफी तरह के होते हैं, REST API होता है, SOAP API होता है, बट एक कॉमन लॉजिक क्या है कि हमने API लिखा, API एक सॉर्ट ऑफ अ प्रॉमिस सोचो कि बैकएंड कह रहा है कि मैं इस स्ट्रक्चर में आपको डाटा दूंगा, और फ्रंट एंड को जैसे ही वो स्ट्रक्चर में डाटा मिलता है वो उसके ऊपर या तो कुछ ऑपरेशन कर रहा है क्लाइंट के लॉजिक के अकॉर्डिंग और उसको क्लाइंट को रेंडर कर देता है। जैसे अभी हमने JSON वाला एग्जाम्पल देखा था ना, एक API रिस्पॉन्स हो सकता है। तो रैपिड API है, इट्स गुड थिंग, रैपिड API पर जाओ तो मैं हर तरह के API मिलेंगे राइट। लॉगिन तो ये एक हमारा API जो हमने खुद मेंटेन करा हुआ है राइट। तो ये API के डॉक्स होते हैं ऐसा। तो ये API क्या कहता है? ये कहता है कि मुझे इनपुट दो स्किप और लिमिट। स्किप और लिमिट से क्या यूज होता है? वेलकम टू इट। तो इसका ये रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर है कि मैं आपको ये कहता कि मैं एक लिस्ट दूंगा, लिस्ट के अंदर चैप्टर्स का एक स्ट्रक्चर होगा, चैप्टर्स के अंदर ये चीजें मिलेंगी आपको, चैप्टर नंबर, वर्ड्स काउंट एंड स्टफ। इसको ट्राई करके देखते हैं। अब ये देखना, मैंने इसको ऑथराइज कर दिया, अब मैंने API की दी इसको राइट, ट्राई इट आउट। अब मैंने API चला दिया, मेरे पास डाटा आ गया, लेकिन अब डेटा आया तो मेरी जो API की थी, मान लो मैंने इस API को डायरेक्टली फ्रंट एंड पे लगा दिया किसी एप्लीकेशन में या फिर मैं ऐप बना रहा हूँ, तो उस फ्रंट एंड में लगाते ही मेरी API की एक्सपोज हो गई। कोई भी बंदा सीधा इंस्पेक्ट करेगा, नेटवर्क टैब में जाएगा, नेटवर्क टैब में जाके उसको सीधा API की मिल जाएगी।
तो अगर मान लो कोई सेंसिटिव डाटा है जो एक्सिस्ट मतलब जो यूजर को नहीं चाहिए, या फिर एपीआई की लीक हो गई मान लो, तो कोई भी मेरे एपीआई को मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि हर एपीआई कॉल सर्वर पे चल रहे हैं तो रिसोर्सेज मेरे यूज हो रहे हैं, राइट। और अगर कोई 10 लाख एपीआई रिक्वेस्ट डाल रहा है तो 10 लाख एपीआई रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए सर्वर रैम यूज कर रहा है, सर्वर डिस्क यूज कर रहा है, मेमोरी यूज कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट पड़ती है मुझे। और अगर मेरी एपीआई की लीक हो जाए तो दे कैन बी मल्टीपल पीपल यूजिंग इट एंड दे कैन कॉस्ट बी मोर देन रिक्वायर्ड, क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ चोरी कर रहे हैं मेरा एपीआई। तो इस चीज को सिक्योर करने के लिए मैं ये जो एपीआई कॉल है इसको एक बैक एंड के थ्रू करूंगा और उस बैक एंड पे ऑथेंटिकेशन लगाऊंगा, राइट। तो ऑथेंटिकेशन क्या होती है, जैसे एक प्लेटफॉर्म है फॉर एग्जाम्पल, वी जस्ट गो इन टू दिस लॉग आउट, राइट। अब मैंने लॉग इन करा, आई जस्ट लॉग इन, लॉग इन करते क्या होगा, इसने एक टोकन सेट करा होगा, एप्लीकेशन कुकीज, तो ऑलमोस्ट हर वेबसाइट जहाँ भी ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट जाती है तो वहां पे एक टोकन सेट हो गया ये वाला, और इस टोकन की एक पर्टिकुलर एक्सपायरी है, से 15 मिनट और 20 मिनट, 15 दिन, 1 महीना। जैसे ये टोकन सेट हो गया तो हर रिक्वेस्ट के साथ ये टोकन बैकएंड पे जाएगा। बैकएंड क्या करेगा, इस टोकन को डिकोड करेगा, डिकोड करके चेक करेगा कि इज इट वैलिड और नॉट। जैसे ही टोकन वैलिड होता है तो हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी, और टोकन के ऊपर रेट लिमिट भी लगाई होगी। मान लो इस टोकन को मैं यहाँ से चोरी कर लेता हूँ और किसी और एप्लीकेशन में फिट करूंगा, पहली बात तो ये एक्सपायर होगा हर 15 दिन में, या जो भी बिजनेस लॉजिक है, राइट। और इसके ऊपर लिमिट होगी कि मान लो मैं 1 मिनट में 10 रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो बड़े कंट्रोल्ड वे में हम बैक एंड से फ्रंट एंड को डेटा देते हैं, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन दैट वी नीड टू डू। ऑथेंटिकेशन क्या होगी कि सिर्फ टोकन को वैलिडेट करा कि ये बंदा हमारे प्लेटफॉर्म का है या नहीं, और ऑथोराइजेशन क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके एडमिन पैनल पर चला जाऊँ सॉर्ट ऑफ किसी तरीके, तो एडमिन पैनल पे हर बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। या फिर मान लो किसी प्रीमियम फीचर को यूज कर रहा हूँ मैं, तो वो प्रीमियम फीचर हर बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। तो वो प्रीमियम फीचर ऑथराइज नहीं है मेरे लिए, तो वो एक हायरार्की चेक करनी है, एक लेवल चेक करना, दैट इज ऑल्सो जो बैक एंड भी कर सकते हैं। अगर फ्रंट एंड पे लगा दें हम, मान लो फ्रंट एंड पे मैं इस पे क्लिक करके लगा दूं कि एक अलर्ट देना मैंने सिर्फ कि इनवैलिड और प्लान या फिर बाय नाउ, तो मैं डायरेक्टली इंस्पेक्ट करके या फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको हटा के एक्सेस कर दूंगा, राइट। तो जो सोर्स ऑफ ट्रूथ है वो बैक एंड होना चाहिए हमेशा अपना। तो दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन। तो अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन पैराडाइम होते हैं, जैसे जो सबसे ज्यादा बेसिक चीज है जो हम यहाँ पे अभी यूज कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड रेस्ट एपीआई, ठीक है। रेस्ट एपीआई में क्या हुआ, हमने रिक्वेस्ट दी, हमें एक स्टेटलेस आंसर मिल गया, तो जो हमारी रिक्वेस्ट का डाटा है ना कहीं पे स्टोर नहीं हुआ कि किसने रिक्वेस्ट दी, रिक्वेस्ट में क्या प्रोसेसिंग हुई एंड स्टफ, और अपने को रिस्पॉन्स मिल गया। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द थिंग्स वर्क ऑन रेस्ट, जो तुम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे या फिर जो भी इन डे टू डे काम करना है हमने, तो वो रेस्ट एपीआई से चल जाता है। बट फॉर एग्जाम्पल ये चीज है, अब ये इसको प्रोसेस होने में फॉर एग्जाम्पल आधा घंटा लगना है, या फिर li.io ऐसा कुछ था ना, जस्ट यही था। अब ये क्या करता है, ये वीडियोस बनाते हैं, मतलब AI से वील गिव टेक्स्ट और पीपीटी देते हैं हम, तो उसकी वीडियो बना देते हैं। तो लेट्स ट्राई, जैसे हम वीडियो बनाएंगे ना, तो वीडियो बनाने में इसको आधा घंटा लगता है, तो आधे घंटे में कैसे पता लगेगा कि आधे घंटे तक काम चल रहा है, या फिर लेट्स शो यू दिस थिंग। हम AI को ट्रेन करते हैं ना, लेट्स टेक सैम्पल विकिपीडिया पेज, आई यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, इसमें हमने पोलिंग लगाई थी, लेट्स क्रिएट अ न्यू वन। अब जैसे 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 मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो नेटवर्क टाइम में हमें रिक्वेस्ट जाती रहेंगी, बैक एंड पे क्रिएट की रिक्वेस्ट गई, बैक एंड पे ये वो हुआ सब कुछ। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट दिया, मैंने क्लिक करा, तो क्या हुआ, ये वेटिंग है, ठीक है। वेटिंग से प्रोसेसिंग शुरू हो गई, तो ये क्या कर रहा है, देखो हर
2-3 सेकंड बाद एक रिक्वेस्ट जा रही है, ये वाली ऑल पेज मेरी स्क्रीन पे विजिबल है, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। थोड़ा जूम कर हेलो, दे। या तो लेट्स चेक दिस आउट। ये रिक्वेस्ट कितनी बार गई है ये, जब तक ये ट्रेन नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग एज इन इसको 2 मिनट भी लग सकता है, अगर बहुत बड़ा मैंने यूआरएल दे दिया या फिर बहुत बड़ी रिसोर्स दे दी तो उसको 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो 10 मिनट तक एपीआई को वेट नहीं करवाना चाहिए अपने को। विल कम टू इट, क्यों क्यों नहीं करवाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमने क्या करा, हर 5 मिनट बाद उसको पूछना शुरू कर दिया बैकएंड को, इज इट रेडी। जैसे वेटर जाके पूछ रहा किचन में खाना बन गया, मैं ले जाऊं क्लाइंट के लिए, खाना बन गया, ऐसा। इसको हम पोलिंग कहते हैं, राइट? तो अलग अलग कम्युनिकेशन पैराडाइम्स जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट क्या था, रेस्ट एपीआई। सेकंड क्या था, पोलिंग। पोलिंग भी हम रेस्ट एपीआई के थ्रू ही कर रहे हैं, लाइक रेस्ट एपीआई कॉल जा रही है और बार बार वो पता कर रही है कि इज द रिसोर्स रेडी और या फिर इज देयर अ स्टेटस चेंज, ठीक है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है, व्हाट वी कैन डू इज आई विल जस्ट शो यू, जैसे इसी में आ जाओ। फॉर एग्जांपल सबमिट, अब मैंने ये भेजा, देखना हाय, तो इसका आंसर देखना कैसे आया। हेलो, हाय, कैन हाउ आई कैन असिस्ट यू, ओ हाउ आर यू, ठीक है। तो जस्ट चेक दिस आउट, इसका आंसर कैसे वर्ड बाय वर्ड आ रहा है, राइट? तो वर्ड बाय वर्ड आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम रेस्ट एक बार में सारा सारा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। इट्स नॉट लाइक कि हमने उसको रिक्वेस्ट दी और सारा रिस्पॉन्स एक बार में आ गया, बट सर्वर इज स्ट्रीमिंग द रिस्पॉन्स। स्ट्रीमिंग असली वर्ड बाय वर्ड, जैसे जैसे सर्वर को डाटा मिल रहा है, सर्वर जैसे जैसे प्रोसेस कर रहा है कॉन्टेक्स्ट को, वो वैसे वैसे अपने को डाटा भेज रहा है फ्रंट एंड पे, और वैसे वैसे हम डाटा को रीड करके इस स्ट्रिंग में अपेंड करते रहते हैं। तो इसमें दो दो तीन अलग अलग पैराडाइम्स है, या तो हम वेब सॉकेट यूज कर सकते हैं जो जो कि एक फुल डुप्लेक्स कनेक्शन है, जहाँ पे हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट देंगे और बैक एंड से रिस्पॉन्स आएगा। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तब तक चलता रहेगा जब तक कनेक्शन टूटेगा नहीं, मतलब जब तक कनेक्शन अलाइव है। या फिर हम एसएसटी यूज कर सकते हैं, सर्वर सेंट इवेंट्स। इससे क्या होता है कि बैकएंड को हमने एक बार रिक्वेस्ट दी और बैकएंड छोटे छोटे अपडेट्स देता रहता अपने को, कि मान लो जैसे जोमेटो पे देखा ना तुमने कि क्लाइंट इज कुकिंग द फूड, उसके बाद आता कि डिलीवरी पार्टनर इज आउट, तो एक सॉर्ट ऑफ अगर एक कनेक्शन सा बना हुआ तुम्हारा बैकएंड के साथ तो वो तुम्हें रियल टाइम में अपडेट कर सकता है। या फिर जैसे स्टॉक मार्केट के ग्राफ्स अपडेट होते हैं तो वो रियल टाइम में धीरे धीरे मतलब वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि एक कांस्टेंट कनेक्शन बना रहता है। अभी मार्केट बंद हो गई तो वरना मैं लाइव तुम्हें दिखाता कि कैसे चलता है ये, स्टिल वी कैन सी दिस। जैसे ये है ना, इसमें इवेंट स्ट्रीम है, आई डोंट हैव फीलिंग बट आई एम हियर टू असिस्ट यू। तो ये एक एक इवेंट करके, एक एक छोटा छोटा मैसेज करके फ्रंट एंड पे डाटा आता है, और जैसे आता रहता है वैसे वैसे हम इसको रेंडर करते जाते हैं, या फिर जो भी बिजनेस लॉजिक होगा। तो ऐसे अलग अलग पैराडाइम्स हैं बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करने के। समझ आ रहा है या कुछ कुछ भी डाउट हो किसी को? अनुभव, चैट जीपीटी में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होता है ना, मतलब एग्जैक्टली। या जैसे मैं चैट जीपीटी पर जाऊँ, ऑल्सो यूज आई थिंक एसएससी और सॉकेट्स कुछ यूज करते हैं। ना, लेकिन इनका इवेंट स्ट्रीम डाटा नहीं दिख रहा अपने को, मे बी दे आर अच्छा हाइडिंग इट समहाउ, बट दे आर यूजिंग एसएससी। इवेंट स्ट्रीम एसएससी में दिख रहा अपने को, इट्स नॉट अ प्रॉपर रेस्ट कॉल। तो चैट जीपीटी में ऐसा, इट्स लाइक जैसे जैसे एक एआई मॉडल डाटा को, क्योंकि अगर हम डाटा को कलेक्ट करें, जैसे अगर मैं इस पूरे टेक्स्ट को जनरेट होने में वेट करूं तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो यूजर को वेट करना पड़ेगा। बेटर थिंग इज जैसे जैसे मेरे पास एआई मॉडल ने कंटेक्स्ट जनरेट करा, जैसे जैसे आंसर जनरेट हो रहा, मैं वैसे ही बिना वेट करे फ्रंट एंड पे भेजना शुरू कर दिया छोटे छोटे चंक्स में, जैसे मुझे आउटपुट मिल रहा है एआई मॉडल से। तो इससे क्या होगा, यूजर को वेट नहीं करना पड़ेगा, दैट गिव्स अ बेटर एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग, और चैट जीपीटी भी यूज कर रहा, तो ये मार्केट स्टैंडर्ड बन गया, क्योंकि जो एआई मॉडल है वो छोटे छोटे टोकन में, हम चंक को टोकन कहते हैं, बट दैट्स सेपरेट थिंग। तो पोलिंग है, वी शुड नॉट वेट, कीप वेटिंग। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको 15 मिनट लगने हैं,
तो 15 मिनट के लिए अगर मैं रिक्वेस्ट को ओपन रखता हूँ तो क्या होता है, बैकएंड पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसेस अलाउड होते हैं. फॉर एग्जांपल एक सर्वर है, एक सर्वर में सिर्फ 10 कॉन्करेंट वर्कर्स रह सकते हैं, कॉन्करेंट थ्रेड्स रह सकते हैं. अगर वो रिक्वेस्ट को मैं आधा घंटा के लिए ब्लॉक कर दूंगा बैकएंड पे, एक रिक्वेस्ट है जो बैकएंड से हमने डाटा मांगा और बैकएंड आधा घंटा काम कर रहा है और वो कनेक्शन चल रहा है, तो उससे क्या होगा, बाकी रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाएगी. तो अगर मान लो मुझे 10 बंदे और लेके आने तो हमें बड़ा सर्वर लगाना पड़ेगा, राइट. तो ऑलवेज इट्स प्रेफर्ड कि रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो मिनिमम हो, और अगर लंबा प्रोसेस है तो उसको पोलिंग से या फिर स्ट्रीमिंग से, जैसे अभी हमने देखा, या फिर किसी और मेथड से टैकल करा जाए. क्यूज बहुत यूज कर सकते हैं हम बैकएंड में. क्यूज कैसे यूज करते हैं, जैसे इसी चीज में ले लेते हैं, इसको मैंने यहाँ पे डाला, मैंने मतलब इसको अपलोड करा, अपलोड करके इसको प्रोसेसिंग के लिए क्यू में डाल दिया, क्योंकि अगर मान लो 1000 लोग आ जाएंगे. क्यू हम कब यूज करते हैं, जैसे क्लास में मान लो तुमने ग्राउंड में जाना, प्ले ग्राउंड में, स्कूल में हम जाते होते थे तो सब लोग क्यू में बैठ के जाते थे ताकि रश ना हो जाए, राइट. या फिर अपने टिकट काउंटर पे जाना है क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए वन बाय वन जाएंगे, तो वील यूज अ क्यू. डाटा स्ट्रक्चर में जो क्यू देखे हैं वो अलग होते हैं, बट जो नेटवर्किंग में क्यूज होते हैं या फिर जो बैकएंड सर्विसेज कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, दैट्स अ बिट डिफरेंट थिंग. इसमें क्या होता है, क्यू सॉर्ट ऑफ एक परसिस्टेंट स्टोरेज होती है. आई जस्ट साइन इन एंड शो द थिंग टू यू. AWS SQS, राइट? या SQS हो गया, RabbitMQ हो गया, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स. तो आई मीन, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल SQS है, तो SQS क्या करता है, इसमें मैंने मैसेजेस डाले और फॉर एग्जांपल मैंने डाटा स्क्रैपिंग करनी है, मैंने एक पर्टिकुलर साइट में से सारा डाटा निकाला, उस साइट में 5 लाख URL है, तो मेरे पास जो डाटा स्क्रैपिंग वाला इंजन है वो 5 लाख URLs को एक बार में हैंडल नहीं कर सकता, वो फट जाएगा या फिर उसकी आउट ऑफ मेमोरी चला जाएगा, तो उसको वन बाय वन लेके जाना मैंने. तो मैंने सारा कुछ एक क्यू में डाला और उसको डाटा स्क्रैपिंग वाले कोड के ऊपर रख दिया, जो क्यू में से एक एक करके मैसेज को निकालता, उसको प्रोसेस करता और रिक्वायर्ड जगह पे सेव कर देता है. तो ऐसे वी कैन यूज क्यूज, ठीक है. जस्ट अ बेसिक आइडिया कि कम्युनिकेशन कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो इट्स लाइक या गो ऑन. मतलब जैसे अभी जैसे आपने बताया कि 5 लाख URL से मुझे उसको प्रोसेस करना है तो मैं उसको क्यू में डाल सकता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई इंस्टेंस है जिसमें मैंने बहुत कम मेमोरी दे रखी है, आई थिंक मैं वहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट चला सकता हूँ, राइट? क्योंकि मुझे ज्यादा मेमोरी नहीं देनी है, तो मैं क्यू में डाल के डिफाइन कर सकता हूँ कि एक एक सेकंड ड्यूरेशन के बाद करें ताकि सर्वर पर लोड ना आ जाए ज्यादा, राइट? या ओके, बट इट्स लाइक अ ट्रेड ऑफ, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा बस अपने को. हाँ, और इसमें और पता क्या फायदा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाटा स्क्रिपिंग कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर केस में, अगर मैं 5 लाख रिक्वेस्ट इकट्ठी डालूंगा एक ही सर्वर से, मान लो मेरे पास सर्वर इज बिग इनफ, या फिर मेरे पास 10 सर्वर है फॉर एग्जांपल, तो भी अगर 10 सर्वर से भी मैं 5 लाख रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करके डालूंगा एक बार में, तो 50,000 रिक्वेस्ट जाएंगे, राइट? तो 50,000 रिक्वेस्ट एक बार में जाते ही वो लोग डिटेक्ट कर लेंगे कि एक IP हमें डीडॉस कर रहा है, डीडॉस मतलब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो मुझे बैन कर देंगे, तो मुझे क्यू के रास्ते में धीरे धीरे करना पड़ेगा इसको ऐसा. तो वो ये डिपेंड करता है तुम कैसा लॉजिक लिख रहे हो या तुम्हारा यूज केस क्या है, जहाँ पर तुम एक सिस्टम बना सकते हो या फिर एक आर्किटेक्चर बना सकते हो. वील डिस्कस सम प्रोडक्ट आइडियाज इसके बाद की. Sure, sure. एक रियल टाइम प्रोडक्ट बना के देखेंगे. Oh, और जस्ट अ मिनट, क्यूज SSEs. या तो रेस्ट में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है वेबबुक्स. वेबबुक्स बारे सुना किसी ने? और अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, प्लीज आई एम देयर टू रिपीट और या फिर कुछ और एग्जांपल लेके आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड. हेलो, मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक जो जनरली API और सर्वर में एक इशू आता है, सर्वर रन टाइम आउट, या उसका क्या मीनिंग होता है एग्जैक्टली? तो जैसे अगर हम सर्वर बनाते हैं ना, तो हर सर्वर का जैसे Nginx, तो हर सर्वर की एक ना टाइम आउट कॉन्फ़िगरेशन होती है. टाइम आउट कॉन्फ़िगरेशन तो रखते हैं क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा देर के लिए पेंडिंग पड़ी है तो वो मेमोरी को ब्लॉक करके रखती है बैकएंड पे, राइट?
तो उसके लिए हम टाइम ऑफ डिफाइन करते हैं, और डिपेंड करता है अपने बिजनेस लॉजिक पे कितना टाइम आउट रखना है हमने। अगर हमें पता है कोई प्रोसेस को सच में बहुत ज्यादा टाइम लगना है, से 5 मिनट लगना है, तो हम टाइम आउट को लिबरल इनफ कर देंगे। बट अगर हमें पता है कि कोई बैकएंड पे लॉजिक है या कोई इश्यू है, लॉजिकल एरर है, जैसे टाइम मेमोरी लीक हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई वाइल्ड लूप है, जो वाइल्ड लूप टूट ही नहीं रही, मतलब वाइल्ड लूप से एग्जिट ही नहीं कर पा रहे हम, तो एक टाइम आउट होना चाहिए जो उसको एक्सपायर कर दे, वरना वो अगर वाइल्ड लूप चलती रह गई तो वो सर्वर को बिजी रखेगी और रिसोर्सेज को कंज्यूम करती रहेगी, जिससे बाकी चीजों को चांस नहीं मिलेगा और हमें स्केल अप करना पड़ेगा, राइट? तो कभी भी वाइल्ड लूप नहीं लगाना चाहिए। तो अगर इसका मान लो मैंने, इन पर्सन मेंशन करो कि लेट्स से आई एम यूजिंग एनजीनेक्स सर्वर, तो उसमें मैंने टाइम आउट डिफाइन करा है लेट्स से 5 मिनट का, और मैंने एक एपीआई बनाई है जो एपीआई का जो कंप्यूटेशनल टाइम है ना वो लग रहा है अराउंड 10 मिनट्स का, तो फिर वो एपीआई कभी सक्सेस थ्रो कर ही नहीं पाएगी, राइट? तो फिर वो टाइम आउट अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना पड़ेगा। एपीआई कभी सक्सेस नहीं शो करेगा, लेकिन वो प्रोसेस पूरा हो रहा है। अभी आई जस्ट शो दिस टू यू, लेट्स बिल्ड अ न्यू कैनवास। कैनवास कहाँ से आता है? सेटिंग्स में, या तो फॉर एग्जांपल ये अपना बैकएंड कोड है, राइट? तो बैकएंड कोड मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली एप्लीकेशन से कांटेक्ट नहीं करता, इसके ऊपर एक वेब सर्वर आता है, और वेब सर्वर आ गया, राइट? और वेब सर्वर डायरेक्टली क्लाइंट के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये वेब सर्वर फॉर एग्जांपल एंजिनेक्स है अपने पास फॉर नाउ, तो इसके अंदर टाइम आउट है 5 मिनट का, सीम्स लाइक मिलियन 5 मिनट, राइट? ऐसा। और जो बैकएंड कोड है, हमने रिक्वेस्ट दी क्लाइंट ने, रिक्वेस्ट की वेब सर्वर पे, ऐसा, और वेब सर्वर ने रिक्वेस्ट कहाँ भेजी आगे, बैकएंड कोड को। अब रिक्वेस्ट चली गई बैकएंड कोड पे और ये प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। तो जो रिस्पॉन्स है ना, अगर 5 मिनट से ज्यादा रिक्वेस्ट पेंडिंग रह गई, तो एंजिनेक्स अपने एंड से एक टाइम आउट एरर दे देगा 504। HTTP कोड अलग अलग होते हैं रेडर के, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन जो हमारा बिजनेस लॉजिक है वो अभी भी चल रहा है बैकएंड पे, और वो अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो 10 मिनट लेके कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि क्रिएट अ न्यू AI मॉडल, राइट? और वो AI मॉडल को 10 मिनट लगने हैं क्रिएट होने में। मैंने रिक्वेस्ट दी, रिक्वेस्ट चली गई, यहाँ पे AI मॉडल क्रिएट हो रहा है, 5 मिनट के बाद मुझे आया कि नेटवर्क एरर, सॉरी। लेकिन मैं 5 मिनट अगर और वेट करके रिफ्रेश करूंगा अपने पेज को, तो मुझे जो मैंने AI मॉडल बनाने की रिक्वेस्ट दी थी, मुझे AI मॉडल दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकएंड उसको प्रोसेस कर रहा था। तो इट्स नेसेसरी कि हम बैकएंड पर इस जगह पर भी एप्लीकेशन लेवल, उसको एप्लीकेशन लेवल कहते हैं, और इट्स लाइक इंफ्रा लेवल, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैनेज करेगा उसको, तो एप्लीकेशन लेवल पर भी मुझे टाइम आउट डिफाइन करने जरूरी है, या फिर एक मिडल वेयर जो कोड में बैठ के टाइम आउट मैनेज करेगा, ये चीज अपने को चाहिए। तो ये और प्रोसेस किल नहीं होता है, राइट? प्रोसेस किल नहीं होता, ओके, तो लेट्स से डिपेंड्स कि हमने कैसा डिफाइन करा हुआ है मिडल वेयर को या फिर एप्लीकेशन को। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोड कर रहे हैं पाइथन में, जैसे ये चीज एक्सट्रैक्ट, तो अब मैंने ये रिक्वेस्ट दी, राइट? तो हर थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट में टाइम आउट देना बहुत जरूरी है, मेमोरी को 10 या 20 जैसा भी, फ्रंट एंड से भी। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक रिक्वेस्ट दी, लेट्स डू दिस, ऐसा, ये बैकएंड है मेरा, सिंपलिसिटी के लिए हम एंजिनेक्स को नहीं लेके आएंगे या फिर रिवर्स प्रॉक्सी को नहीं लेके आएंगे, ये क्लाइंट है, ठीक है? अब क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट दी बैकएंड को कि मुझे से एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट से google.com, ठीक है? अब वो रिक्वेस्ट, अब बैकएंड के पास कैपेबिलिटी नहीं है हमारे पास, जस्ट अज्यूम कि हम google.com एक्सट्रैक्ट करें, तो हम एक थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट एपीआई यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन एपीआई, कोई भी रैंडम थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हैं। हमने बैकएंड ने एक्सट्रैक्शन एपीआई पे रिक्वेस्ट करी, अब एक एक्सट्रैक्शन एपीआई ने से 10 मिनट के अंदर इसको, या फिर 10 सेकंड के अंदर, एक रिस्पॉन्स देना है, और अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो बैकएंड शुड गिव एन एरर कि टाइम आउट हो गया। यहाँ पे इसको टाइम आउट
टाइम आउट हो जाना चाहिए, लेकिन जब हम लोग कोड करते हैं यूजली जो लोग नए शुरू करते हैं तो दे नेवर गिव दिस टाइम आउट वैल्यू, तो इससे क्या होता है मैंने रिक्वेस्ट दी वो रिक्वेस्ट पेंडिंग रह जाएगी बैकएंड पे और डिफॉल्ट टाइम आउट 10 मिनट का है, तो वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सर्वर के अंदर 10 मिनट के लिए ब्लॉक करके रखेगी रिसोर्सेज को, राइट? तो 10 मिनट के लिए सर्वर सर्वर का थ्रेड थ्रेड होता है जो प्रोसेस चलाता है बैकएंड में, तो वो थ्रेड ब्लॉक रहेगा, और अगर उस थ्रेड को हम फ्री कर देते हैं या फिर टाइम आउट वैल्यू डिफाइन कर देते तो हम सीधा एक एप्लीकेशन लेवल से टाइम आउट एरर यूजर को दिखा सकते थे कि कोई इशू है google.com की जगह कुछ और ट्राई कर लो या फिर कहीं और चले जाओ ऐसा, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। अब हमने केस लिखा था जहाँ पे हमने एक सर्विस लिखी और वो सर्विस के अंदर हमने ये टाइम आउट्स, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी सर्विस थी 4-6 साल पुरानी और किसी में टाइम आउट्स वगैरह ये मैंशन नहीं थे, तो जैसे ही ये पर्टिकुलर API फॉर एग्जांपल डाउन हो गया, ये API चलना बंद हो गया या फिर एक API में कुछ इशू आ गया, क्योंकि ये भी ह्यूमन मेड चीज है, राइट? तो इससे क्या होगा, सारी रिक्वेस्ट खत्म होने लग जाएंगी, मतलब वेट करती रहेंगी रिस्पांस का, और अगर मान लो ट्रैफिक अच्छा है तो इससे क्या होगा, काफी ज्यादा मेमोरी एक जगह पे एलोकेट होने लग जाएगी जो यूज नहीं हो रही और आपका सारा बैकएंड या फिर सारा सर्वर क्रैश कर जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है जिससे बैकएंड स्केलेबल बनता है, राइट? तो किसी को कोई डाउट या कुछ कोई भी इशू? हाय अनुभव, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो API में हम लोग एक सिंगल क्वेरी हम लोग यूज करते हैं तो चला लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अगर लिस्ट ऑफ क्वेरीज अगर एक रहता है तो उस API को हम लोग कैसे मतलब ये हैंडल ये करेंगे, मतलब कैसे ये चलाएंगे उसको? लिस्ट ऑफ क्वेरीज कैसे? थोड़ा सा आई नीड सम क्लैरिटी। मेरा एक API मैंने एक बनाया एडवांस सर्च करके, ठीक है? तो ठीक है, मेरे पास मतलब 3-4 आइटम्स है एंड आई वांट दैट API टू बी रन ओवर दैट दैट लिस्ट ऑफ 3-4 आइटम्स। गॉट इट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मतलब तुम सर्च कर रहे हो और वो सर्च के लिए लाइक अगर मान लो मैंने गूगल पे गया, गूगल पे मैंने एक चीज सर्च करनी है उसकी जगह मैं 3 कर रहा हूँ, ऐसा? या एग्जैक्टली। गॉट इट। तो डिपेंड करता है, अगर बैकएंड तुम्हारे कंट्रोल में है तो व्हाट यू कैन डू इज जैसे गो टू अ कोड स्पेस रैंडमली just ignore rest of the things, agar backend tumhari python mein likh raha hu but kahin bhi likh sakte ho, search ek endpoint hai for example, usme input hai, input se ek list of objects hai, to agar maan lo ye single input hai ek string, matlab ek request pe ek hi cheez search ho rahi hai, to hum kya karenge, isko list of strings bana denge, isse kya hoga apne paas 3 स्ट्रिंग्स आ गई या फिर 4 जितना भी हमने सेंटेंस लेके आए, और हम क्या करेंगे फॉर क्वेरी इन इनपुट हम उसके ऊपर अपना सर्च या जो भी ऑपरेशन है वो लगाएंगे, क्योंकि एक रिक्वेस्ट इज ऑलवेज एफिशिएंट देन मल्टीपल नेटवर्क रिक्वेस्ट, क्योंकि नेटवर्क पे काफी लेटेंसी आती है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, राइट? 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, बट जब हम उसको ऑप्टिकल केबल में से घुमाते हैं ना पूरी दुनिया के अराउंड, तो उससे काफी लेटेंसी आने लग जाती है। लेटेंसी एज इन मान लो हमारा सर्वर मुंबई में पड़ा है और कोई यूजर US से कनेक्ट कर रहा है उसको, तो अगर उसने 3 अलग अलग API रिक्वेस्ट करनी है तो उसके ऊपर काफी ओवरहेड आएगा, लाइक हर रिक्वेस्ट के ऊपर थोड़ा सा डिले आएगा, वो डिले 3 times प्रेजेंट हो जाएगा यूजर के लिए। तो अगर हम उसको 3 रिक्वेस्ट को एक सिंगल API रिक्वेस्ट में मर्ज कर सकते हैं एफिशिएंटली, तो दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड, ऐसा। लेकिन हम तभी कर सकते हैं अगर बैकएंड हमारे कंट्रोल में है, एक थर्ड पार्टी API नहीं है अपने पास। अच्छा, ओके देन, या लेट्स मूव फॉरवर्ड। RPC क्या होता है, जैसे हमने प्रोसीजरल का स्पेलिंग गलत था, बट RPC क्या होता है, जैसे हमने REST API कॉल करा, ठीक है? REST API में क्या करा, हमने एक एंड पॉइंट बनाया और इस एंड पॉइंट पे हमने JSON दी या फिर क्वेरी पैरामीटर्स दिए, और उस क्वेरी पैरामीटर्स ने बैकएंड पे डाटा को रिसीव करा और प्रोसेसिंग करी और हमें आउटपुट दे दिया। RPC में फॉर एग्जांपल आपने कोई माइक्रो सर्विस लिखी है या फिर कोई
अलग जगह पे कोई प्रोसेसिंग करवानी डाटा की, तो इट्स लाइक उस पर्टिकुलर कोड का, उस पर्टिकुलर सर्वर का फंक्शन रिमोटली अगर हम कॉल करते हैं, अपने को कोड कोड करते हुए फील नहीं होगा कि ये हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, बट हम जिस फंक्शन कॉल कर रहे हैं वैसा, और काफी फास्ट और सर्वर टू सर्वर इंटरेक्शन होती है ये। जैसे स्टेबल डिफ्यूजन यूज करा किसी ने? हेलो, मिड जर्नी स्टेबल डिफ्यूजन, जैसे इमेजेस बनती है ना एआई से, तो जो उनका एपीआई आता है वो आरपीसी कॉल पे चलता है, उसका दैट आउटकम। हाँ वो डिस्कॉर्ड वाला, राइट? या डिस्कॉर्ड वाला, उनका जो प्रॉपर स्टेबिलिटी, ड्रीम स्टूडियो करते हैं ना, हाँ करेक्ट। ड्रीम स्टूडियो डॉट ए आई, ये तो जो उसका एपीआई है ना, कहाँ गया एपीआई की वाला, जो इनके डॉक्यूमेंटेशन में देख लेना, जो इनका एपीआई है वो आरपीसी से चलता है, तो दैट्स एफिशिएंट। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफर करना है, क्योंकि इमेजेस काफ़ी हैवी हो जाती है, राइट, तो उससे आरपीसी में काफ़ी फास्ट हो जाता है। और लेट्स गो कि मैंने लिस्ट बनाई हुई, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट नीड टू गो थ्रू, एसएससी वेब सॉकेट्स वी हैव सीन, सोप इज नॉट दैट रेलिवेंट एनी मोर, यूज होता है लेकिन नहीं इतना ज़्यादा नहीं। एसिंक एंड पोलिंग, शॉर्ट पोलिंग, लॉन्ग पोल, लेट्स कम टू डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस के बारे में पता सबको थोड़ा थोड़ा? हेलो, लाइक कभी डेटाबेस के साथ काम करा हो, या फिर कुछ आइडिया हो कि डेटाबेस क्या होता है? हेलो, चलो तो कुछ अनम्यूट करके बोल सकते हो। तो जैसे ये चीज है, अगर इसके अंदर मैं डेटा स्टोर करने लग जाऊं तो इट विल बिकम अ डेटा सोर्स, राइट? और अगर मैं मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट कर दूं आपस में, तो एक बड़ा रफ एग्जांपल है, इट विल बिकम अ डेटाबेस। लेकिन अब इश्यू पता क्या है, पहले हम इंफ्रा पे बात करते हैं। जैसे मेरे पास एक मशीन है, फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास एक फॉर एग्जाम्पल एक वीएम है, 1 GB की है, राइट? और मैंने, मेरे पास 1 GB की वीएम पे, फॉर एग्जांपल, ये 1K रिक्वेस्ट सर्व करती है पर सेकंड, 1K RPS, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, मेरे पास मैंने सेल लगानी है अपने स्टोर पे, या फिर मैंने अपनी वेबसाइट पे कोई प्रमोशन करना है, मेरे पास यूजर ज्यादा आने लग गए, 1K RPS में सर्वर मेरा बैठने लग गया, मतलब सर्वर क्रैश करने लग गया, या फिर लेटेंसी बढ़ने लग गई, रिक्वेस्ट ड्रॉप होने लगी, काफी चीजें हो गई, जिस सर्वर हैंडल नहीं कर पा रहा, मेमोरी 100% कंज्यूम हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, एक सर्वर और लगा दूंगा। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सर्वर और लगा दूंगा, ये एक सिनेरियो बनाते हैं इसको, एक जस्ट नीड अ बिगर बॉक्स, या तो मैंने दो सर्वर कर दिया, राइट, या फिर एक सिनेरियो जहाँ पे मैं सर्वर को ऐसे कर दूंगा, सर्वर को थोड़ा सा साइज बड़ा कर दूंगा, एक 1 GB की जगह 2 GB कर दूंगा इसको। तो हाइपोथेटिकली फॉर एग्जांपल ये 2000 RPS कर रहा, और इन दोनों के लिए क्या करूंगा मैं, इन दोनों के लिए मुझे एक लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा। लोड बैलेंसर क्या करेगा, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक क्लाइंट है यहाँ पे, ठीक है? तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट दी लोड बैलेंसर को, जैसे मैं एंजिनेक्स दिखाया था ना हमने यहाँ पे, ये एंजिनेक्स था, तो एंजिनेक्स लोड बैलेंसर की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर एंजिनेक्स के ऊपर भी लोड बैलेंसर बना सकते हैं, और एक और लेयर लगा के यहाँ पे बेसिकली एंजिनेक्स को भी यूज कर लेते। तो लोड बैलेंसर बैलेंसर के पास रिक्वेस्ट आई, अब लोड बैलेंसर ने चेक करा कि किस किस रिसोर्स के ऊपर, मान लो इसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, इसके ऊपर 80% मेमोरी यूज हो रही है, तो इसके ऊपर 40% यूज हो गया, तो नई रिक्वेस्ट इधर देनी शुरू कर दी उसने इस रूट पे, ठीक है? अगर इस पे ज्यादा हो रही है तो इस पे देने लगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए, और इसकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, लाइक राउंड रॉबिन कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट तेरी, एक तेरी, तेरी एक तेरी, ऐसे, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि मेमोरी के बेस पे, सीपीयू यूटिलाइजेशन के बेस पे, या फिर लेटेंसी के बेस पे, इस रिक्वेस्ट को 10 सेकंड लग गए हैं, 10 के 12 लगने लग गए, इसको 9 लग गए हैं, तो रिक्वेस्ट नई वाली इसके ऊपर आने लग जाएंगी, ऐसा अलग अलग चीजें। इसमें से एक सर्वर क्रैश कर गया, या फिर एक सर्वर में कोई इशू आ गया, फिर भी एप्लीकेशन टूटेगी नहीं, एप्लीकेशन चलती रहेगी, क्यों चलती रहेगी, क्योंकि एक सर्वर
still alive, right? ऐसा. लेकिन इसमें क्या होगा, इस केस में आरपीएस तो बढ़ गए, हमारे हमारी कैपेबिलिटी बढ़ गई, लेकिन ये चीज नहीं मिली कि अगर एक सर्वर क्रैश कर गया तो दूसरा सर्वर उसको हैंडल कर लेगा. और इसको एक छोटी वीएम से कोड को उठा के बड़ी वीएम में लेके जाना और उसको रीबूट करना, मतलब दोबारा स्टार्ट करना एप्लीकेशन को, इट विल टेक सम टाइम, राइट? जैसे यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चलते चलते ही, मतलब चलते सिस्टम में एक नया लोड बना दूंगा यहाँ पे, उसको लोड बैलेंसर से डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा. लेकिन अगर मैंने एक छोटे वीएम को तोड़ना है और उसकी जगह पे बड़ा वीएम बनाना है तो मुझे 3-4 मिनट 5 मिनट कुछ टाइम लगेगा, और उतने टाइम में मेरे यूजर्स को वेट करना पड़ेगा, एक डाउन टाइम आएगा. तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज ऑलवेज प्रेफरेबल. अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करने के लिए अलग अलग चीजें आती हैं, इलास्टिक क्लस्टर आते हैं, कुबरनिटीज आता है, और काफी डेवऑप्स आती है जो हम इस टॉक में डेफिनेटली नहीं कर रहे, बट यू कैन एक्सप्लोर एट योर एंड. और अगर कोई भी डाउट होता है तो टेक्फर्मेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में हम डिस्कस कर सकते हैं इन चीजों पे. तो एक नई ब्रांच खुल जाती है डेवऑप्स, राइट? अब इसमें एक चीज सोचो बड़ी ध्यान से, अपने पास 2-3-4 सर्वर है. हम जैसे बैकएंड में कोड करते हैं ना, बैकएंड में तुम फाइल कैसे स्टोर करते हो? किसी ने कुछ कोड करा होगा अभी. हेलो, मान लो मैंने अपनी फोटो अपलोड करी, तो तुमने फोटो कहाँ पर स्टोर करेंगे उसको? लेट्स से S3 बकेट में स्टोर कर लिया. या तो फोटो को जब सब लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं या फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको लोकली फाइल स्टोरेज में लाइक एक नया फोल्डर बना देते हैं मीडिया का, उसके अंदर चीजों को स्टोर करने लग जाते हैं, या फिर एक डाटाबेस है जो एक मशीन के अंदर हम डिप्लॉय कर देते हैं. लेकिन मान लो मैंने फोटो, इस केस में क्या होगा, मैंने मान लो फोटो स्टोर करी P1, ठीक है, और P2, P3 ऐसा. अब मेरे पास P1 की रिक्वेस्ट आई फोटो निकालने की, P1 यूजर की, उसको P1 की फोटो दिखानी है उसकी, तो इसी सर्वर से चल जाएगी, P2 की भी इसी से चल जाएगी. बट इसमें P1 की रिक्वेस्ट है, मान लो P1 मैंने सर्वर पे स्टोर कर दी, राइट, और P2 इस सर्वर पे मैंने स्टोर कर दी. अब P1 वाला बंदा दोबारा आया अगले दिन, उसकी रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर ने इस सर्वर को दे दी, उसको फोटो ही नहीं मिलेगी या फिर उसको डाटा ही नहीं मिलेगा. तो इससे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिखता है कि जो अपना सर्वर है ना या फिर जो अपना एप्लीकेशन है, वो डेटा इंडिपेंडेंट होना चाहिए. लाइक इसको सिर्फ बिजनेस लॉजिक से मतलब होना चाहिए, इस पर्टिकुलर फेज को, इस फेज को सिर्फ बिजनेस लॉजिक से मतलब होना चाहिए. इसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते हम कहीं पे, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, राइट? तो डेटा स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, विल यूज अ परसिस्टेंट स्टोरेज, जैसे S3 बकेट है. S3 बकेट कुछ नहीं होता, जिसको नहीं पता, मान लो गूगल ड्राइव का एक फोल्डर है. तो अगर मान लो इस पे P1 की रिक्वेस्ट आती है, तो वो गूगल ड्राइव के फोल्डर में से निकाल के देगा. अगर वो रिक्वेस्ट इस पे चली जाती है, तो वो भी गूगल ड्राइव से निकाल के देगा, ठीक है? और सेम चीज इज फॉर डेटाबेसेस. मान लो यहाँ पे डेटाबेस आ गया, ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट यहाँ पर गई इस डेटाबेस पे, और दूसरी रिक्वेस्ट भी इसी डेटाबेस पे जाएगी. सारी रिक्वेस्ट एक ही डेटाबेस पे जा रही है, ठीक है? अभी तक सो फार सो गुड, राइट? इस सिस्टम में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए, या आ सकता है, मतलब जस्ट ट्राई टू ब्रेक द सिस्टम. सोचो कि इसको कैसे, मतलब मान लो आज मेरे पास 1 लाख यूजर, कल को 10 लाख आने लग गए या फिर 1 करोड़ यूजर आने लग गए, तो मेरे डेटाबेस भी लोड पड़ेगा ना, ये पर्टिकुलर डेटाबेस टूटना शुरू हो जाएगा, मतलब आउट ऑफ मेमोरी होना लग जाएगा, या फिर जो SQL डेटाबेस होते हैं ना, MySQL हो गया, SQLite हो गया, Postgres हो गया, इनकी कनेक्शन लिमिट होती है, और कनेक्शन लिमिट डिपेंड करती है डेटाबेस के साइज पे. अब मेरा एप्लीकेशन स्केल कर रहा, तो कनेक्शन लिमिट हिट करने लग जाएगी. इस डोमेन को मैं जस्ट रिमूव इट, ठीक है? अब कनेक्शन लिमिट हिट होने लग गई, तो मेरा एप्लीकेशन लेवल, मतलब ये लेवल क्रैश होने लग गया, क्योंकि उसको डेटाबेस से कनेक्शन ही नहीं मिल रहा. और जब तक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा, तब तक या तो वो वेट करेगा या टाइम आउट हो जाएगा, यूजर को तो रिस्पॉन्स नहीं पहुंचेगा ना. Correct. तो अब क्या इशू आ गया, मैंने डेटाबेस को स्केल करना है. इट इज द टफेस्ट थिंग टेक में, डेटाबेस को मैनेज करना, लिखना और स्केल करना.
डेटाबेस को पहले तो डिजाइन ऐसा करना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो उसमें क्वेरी करना। मान लो आपने कोई भी डेटा चाहिए तो बहुत ही छोटी क्वेरी में, छोटी क्वेरी मतलब बहुत कम फिल्टर्स और बहुत कम ज्वाइंस ग्रुप बाय लगा कर आपको डाटा मिल जाना चाहिए, ऐसा उसको डिजाइन करना चाहिए अपने को। ठीक है, अब इसको स्केल करना है। अब डेटाबेस में क्या, डेटाबेस में टेबल्स हैं। अब हमारे पास सेम इशू आता है। सेम इशू कैसे आता है, अगर मान लो ये डेटाबेस है राइट, इसको इसका मैं क्लोन बना लेता हूँ पूरे सिस्टम को। नई नई जगह पे आ जाओ, तो पास ये डेटाबेस है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर टेबल्स हैं, डेटाबेस के अंदर तरह तरह के टेबल्स, यूजर का टेबल है और अलग अलग। तो इसको मैं हॉरिजॉन्टली स्केल कैसे कर सकता हूँ, मान लो एक, मान लो मैंने लोड बैलेंसर लगा दिया, ठीक है, और मान लो डेटाबेस दो लगा दिए मैंने यहाँ पे, DB1 और DB2, तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, जस्ट गिव मी अ हाय और ये और नहीं इन द ब्रैकेट। मतलब अलग अलग DBs में डेटा स्टोर है यूजर का और उसके ऊपर हमने एक लोड बैलेंसर लगा दिया, कर सकते या हैं फिर इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमको फिर सिंक बिठाना पड़ेगा दोनों तो के बीच में। इट मे बी अराउंड द रीजनल डेटाबेस के, लाइक जैसे इंडिया के जो यूजर एक्सेस कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन अपन इंडिया सेंट्रिक रख दें, रीजनल वाइज दैट वी कैन डू। या रीजनल शार्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रीजनल शार्डिंग को नहीं सोच रहे मन में, मान लो बंदा यूके में भी बैठा है और एक्सेस कर रहा है, क्योंकि रीजनल शार्डिंग में एप्लीकेशन पता कैसे चलती है, जैसे जोहो ट्राई करा है कभी, जोहो में ना जब भी हम अकाउंट बनाते हैं, इसमें साइन इन करता हूँ, लेट्स ट्राई, अगर ये आईडी चल रही है मेरी, आउच, जस्ट अ मिनट, मैं ओटीपी लेके आया मेल से, आई शेयर इट अगेन। अगर सोचो हमने रीजनल शार्डिंग नहीं करनी, यूजर को एक कॉमन एप्लीकेशन देनी है हर रीजन को, इट्स रियली टफ टू स्केल डाटाबेसेस, क्योंकि जैसे ही हम एप्लीकेशन को बनाते हैं ना, अगर मान लो हम पर्सनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे मैं मेल पे जाता हूँ, वियर्ड शायद ये अकाउंट सेटअप नहीं करा हुआ मैंने, लेकिन यहाँ पे IN आ जाता है, लाइक IN.zoho.in या फिर US.zoho.in, तो उन्होंने सर्वर वाइज डिवाइड कर दिया। बट अगर सोचो कि इंडिया के सर्वर पे ही लोड बहुत ज्यादा आने लग गया, फिर उसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को स्प्लिट करना पड़ेगा। मान लो उनके पास ये एक डेटाबेस है, ये DB, मास्टर DB, इसके अंदर सारी दुनिया का डेटा है, उस सारी दुनिया के डेटा को रियल टाइम काट के, मतलब उसके दो पीसीस करके, DB मान लो एक US का और DB मान लो यूरोप का, अलग अलग बना दिया उन्होंने दो पीसीस करके, लेकिन रियल टाइम में करना, लाइक नया डेटा भी आ रहा है इस पे, नई चीजें राइट हो रही हैं और रीड हो रही हैं, और नई चीजें इसके ऊपर भी राइट सेम करनी पड़ेंगी अपने को, मीनवाइल डेटा ट्रांसफर भी हो रहा है, राइट। तो इट्स रियली टीडियस थिंग और काफी डिफिकल्ट चीज है ये, इसको रियल टाइम में अचीव करना, और डेटाबेस को स्केल करना बहुत टफ है इसी रीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा था, जब तक डेटा स्टोरेज अलग है, एप्लीकेशन कोड को हम बहुत इजीली स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, अपने पास ट्रैफिक कम है, स्केल डाउन कर दिया, बढ़ा दिया, तो जनरली डेटाबेसिस को हम वर्टिकली स्केल करते रहते हैं एक पॉइंट तक, जब एक पॉइंट आ जाता है तो हम अपने को उसको नॉर्मलाइज करके या फिर उसको शार्डिंग करके, मतलब तोड़ के उसके छोटे छोटे पीसेस बनाने पड़ते हैं अपने को। ठीक है, ऐसा DB US राइट, तो काफी अलग अलग चीजें हैं, मतलब इसके ऊपर ना एक बहुत अच्छा ब्लॉग है, इफ यू वांट टू गिव अ रीड, शॉपिफाई का, शॉपिफाई रियल टाइम शार्डिंग माइग्रेशन ब्लॉग, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्लॉग है, और आईड सजेस्ट कि जैसे DSA का बहुत सवार है सबको कि DSA करना हमने या फिर कोडिंग करनी है इंस्टा, तो हर अच्छे स्टार्टअप हर अच्छी इंजीनियरिंग टीम का ना एक इंजीनियरिंग ब्लॉग होता है, जैसे शॉपिफाई का है, रिजर्व पे का है, रिजर्व पे
और स्टार्टअप्स के ब्लॉग्स क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स गलतियां करते हैं राइट, और वो गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से सीख के अपने आप को स्केल अप करना बहुत टफ है। आज अगर तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसको 10,000 लोग यूज कर रहे हैं, कल को वो प्रोडक्ट 1 करोड़ लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगा, अगर हैंडल करने लाइक होगा तो बहुत ज्यादा कॉस्ट देगा और सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो उसको स्केल अप करना बहुत इजीली बहुत टफ है। तो वो जो उनकी लर्निंग्स होती हैं वो ब्लॉग्स में लिखते रहते हैं कंपनीज वाले लोग, तो ये ब्लॉग्स पढ़ने बहुत ज्यादा मतलब एक प्रैक्टिस बना लो कि हफ्ते में एक आधा अच्छा ब्लॉग पढ़ के उसके ऊपर सोचना है हमने, क्योंकि जो सोच है ना तो वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मान लो तुमने कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन लेवल कोड करना है, कोई फंक्शन लिखना है, वो फंक्शन तो चैट जीपीटी भी लिख देगा, या फिर कोई एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करनी है वो एल्गोरिदम चैट जीपीटी, तुम्हें दो लैंग्वेज आती है, दो लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है, तीसरी लैंग्वेज सीखने के लिए एटलीस्ट हफ्ता लगेगा, चैट जीपीटी हर लैंग्वेज में 5 मिनट में लिख देगा। बट ये सिस्टम को डिजाइन कैसे करना है इस चीज को, दिस इज समथिंग दैट चैट जीपीटी और एआई कांट डू एटलीस्ट राइट नाउ। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ a real thought process that you should learn to be a good software engineer, right? We were at databases. So databases को vertically scale करते करते एक point से हमें तोड़ना पड़ेगा, और अभी तक तो इसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा हम solution नहीं निकाल पाए, unless database में एक और approach होती है कि एक reader और writer application बना देते हैं, जैसे एक DB है, एक master DB है, इसके ऊपर सारे राइट ऑपरेशन होते हैं, लाइक जितने भी राइट्स होने हैं मतलब डाटाबेस में जो भी अपडेट होना है वो उसी पे होगा, और स्लेव्स बना देते हैं इसके मल्टीपल, तो जो सारे रीड ऑपरेशन है मतलब रीड ओनली चीजें वो इस पे जाती रहती हैं ऐसे, क्योंकि मोस्टली जनरली रीड ऑपरेशन बहुत ज्यादा होते हैं राइट से। तुम लोग अपनी जीमेल को खोलते हो तो तुम्हारी प्रोफाइल लोड होगी, इनबॉक्स लोड होगा, सारा कुछ रीड होता है, जब तुम एक ईमेल लिखोगे तभी राइट होगा राइट, तो रीड ऑपरेशन को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, और मास्टर के ऊपर राइट होते ही एक इंटरनल कम्युनिकेशन चलेगा जो स्लेव को अपडेट कर देगा। इसमें बहुत माइनर सा लैग होता है लेकिन वो एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब चल जाता है उससे काम अपना। ये कौन से लेवल पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं रीडर और राइटर्स? लाइक डेटाबेस के लेवल पे within the database, जैसे अगर हम AWS में जाएं ना डाटाबेस बनाने के लिए, तो एक डाटाबेस का पूरा हम क्लस्टर डिप्लॉय कर सकते हैं, अरोरा DB क्लस्टर या कुछ, उसी के अंदर मास्टर और स्लेव को हम अलग अलग टैग कर सकते हैं, और इसको हम एप्लीकेशन लेवल पे अलग अलग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लाइक मास्टर के API कीज और जो पासवर्ड होते हैं वो अलग होंगे, और रीडर स्लेव के अलग हो सकते हैं, या फिर लीडर स्लेव को हम उनके ऊपर लोड बैलेंसर लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि जो भी अपने एप्लीकेशन लेवल पे रीड ऑपरेशन हो रहे हैं वो रीडर के थ्रू कर देंगे हम, और जो भी राइट हो रहे हैं तो वो मास्टर को लाइक राइट ऑपरेशन हो जाएंगे। करेक्ट, तो ऐसा हम एक अरेंजमेंट बिठा सकते हैं, ठीक है। और भी काफी चीजें जैसे हम MongoDB यूज कर सकते हैं, या फिर डिपेंड करता अपने डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर कि अपने पास कैसा डाटा जिसको डील कर रहे हैं, हम ग्राफ बेस्ड डाटाबेस यूज कर सकते हैं, और एक लेटेस्ट चीज है वेक्टर डाटाबेसेस, जिसके अंदर हम LLMs वगैरह हम वेक्टर डीबी LLMs में या हम टेक्स्ट को वेक्टराइज करते हैं, और वेक्टर्स के ऊपर फिर हम AI ऑपरेशंस के लिए इसको यूज करते हैं, लैंगचेन वगैरह, या एग्जैक्टली, सो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंट थिंग। माइक्रो सर्विसेज क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉर्ट ऑफ उसी को पहले अब तक कोई डाउट हो या कुछ इश्यू हो? हेलो, नहीं यार, इज वेरी ग्रेट, आई एम एंजॉयिंग अ लॉट ऑफ द वर्क, थैंक यू। यस सर, नमस्कार। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मतलब बैकएंड, लेकिन सही है। नहीं, इट्स नॉट दैट कंफ्यूजिंग, इट्स लाइक काफी कुछ हमने एक घंटे में सॉर्ट ऑफ अनकवर करने की कोशिश करी, तो इट्स मुझे था कि थोड़ा सा फास्ट हो सकता है ये मतलब क्रैश करने में, या फिर या बट इट्स लाइक जस्ट सोचना सीखना हमें अभी, कोड हम बाद में कर देंगे, अगर हम 10 बार सोच के एक बार कोड करेंगे ना तो वी वोंट फेल इजीली, लेकिन अगर हम सीधा कोड करने लग जाएंगे तो काफी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो कोड करने के मतलब आधा काम करने के बाद दिखेंगे कि ये हमने सोचा नहीं है, फिर इसको कैसे करें।
और उस पॉइंट पे कोई ना कोई हम जुगाड़ करते हैं, जो जुगाड़ एक पॉइंट पे हमें पता है कि इशू देगा आपको या फिर कुछ स्केलेबिलिटी में एरर आएगा। ठीक है अनुभव, राइट सॉलिंग में ऐसा कुछ एग्जांपल वेयर यू फेस्ड अ प्रॉब्लम एंड यू सॉल्वड इट, ऐसा कुछ अगर है तो यू वुड लाइक टू शेयर? वी डिड अ रियल टाइम डीबी माइग्रेशन। जैसे हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली एक वेक्टर डीबी होता है वीडिएट, तो हम उसके अंदर ना वो यूज करते हैं लाइक सारे वेक्टर स्टोर्स सारा मतलब जो एआई का कॉन्टेक्स्ट है हमारा वो सेव करते हैं। ओके और वेक्टर डीबीज की स्पेस बहुत ही नई है, बहुत नई मतलब वेरी मतलब अभी स्टार्ट हो रहे हैं और प्रोडक्शन रेडी भी सिर्फ एक दो डेटाबेसिस हैं जैसे पाइनकोन वीवीएट और वीवी क्यू ट्रेंड को गिन सकते हैं, तीन ही है जो लिटरली प्रोडक्शन रेडी है। तो इशू क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मतलब अपने पास है ना अभी 15 मिनट और एटलीस्ट या अभी है कॉल में या तो बहुत ही ज्यादा आई जस्ट स्टॉप फीलिंग दिस थिंग तो लाइक रियली इंटरेस्टिंग। तो हम क्या करते थे वीवीएट में, हम एक नई क्लास बनाते थे हर यूजर के लिए ताकि हम डाटा को आइसोलेटेड रखें यूजर से और मतलब हर अलग अलग यूजर का, और वीवीएट की डॉक्यूमेंटेशन यही कहती थी कि अलग अलग यूजर्स को अलग अलग आइसोलेट करने के लिए क्लास बनानी चाहिए। लेकिन इंटरनली वीवीएट हर क्लास के लिए एक नई फाइल बनाता है, मतलब जो उसकी डाटा स्ट्रक्चर्स की इम्प्लीमेंटेशन है या फिर डाटा स्टोरेज की इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो फाइल बहुत ज्यादा बन गई लाइक ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख यूजर एक्टिव थे हमारे पास डेली के नए प्रोडक्ट पे बॉटसोनिक, तो इतनी ज्यादा फाइल्स बन गई और वीवीएट आउट ऑफ मेमोरी चला गया हमारा। बेसिकली डाटाबेस है तो उसको हॉरिजॉन्टली स्केल करना इज नॉट गुड राइट, क्योंकि आधा डाटा कहीं पर रहेगा आधा कहीं पर, उसको हमने वर्टिकली स्केल करा और उसको रिस्टार्ट करने की कोशिश करी। जैसे हमने अभी डिस्कस करा ना कि हमें नया सर्वर लेना पड़ेगा, उसके अंदर हमने टेक्निकली क्लाउड में क्या होता है डिस्क होती है लाइक एसएसडी डिस्क है, तो हम उसको एक सर्वर से निकाल के दूसरे सर्वर में माउंट कर सकते हैं। तो हमने करंट वीवीएट की डिस्क निकाली और उसको एक बड़े सर्वर में मतलब ट्रिपल द साइज, उसमें ऑलमोस्ट 256 GB रैम थी मेरे हिसाब से, मतलब डिस्क नहीं रैम ठीक है, उसके ऊपर हमने इसको माउंट करा। तो उसके अंदर इतनी ज्यादा नंबर ऑफ फाइल्स बन चुकी थी कि वीवीएट को जब हम बूट करते थे तो बूट का टाइम आउट 1 घंटा था राइट और बूट का मतलब जो वीवीएट ने अपने कोड में डिफाइन करा हुआ कि 1 घंटे के अंदर अगर वो बूट नहीं हो रहा तो इट्स समथिंग इज रॉन्ग, तो उसको बूट नहीं होने देना, एरर थ्रो कर देना। जैसे हमने देखा ना कि टाइम आउट डिफाइन करने बड़े इजी बड़े क्रिटिकल होते हैं, तो उन्होंने एक टाइम आउट डिफाइन करा हुआ था वीवीएट की टीम ने वीवीएट के कोड में, लेकिन जो हमारा डेटा था ना डेटा का साइज इतना ज्यादा था कि उसको इंडिविजुअली हर फाइल को ओपन करना पड़ता है वीवीएट को, तो हर फाइल को ओपन करके रैम में लोड करने में 3 दिन लग रहे थे हमारे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, और वो 1 घंटे में टाइम आउट कर जाता था राइट। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक नया वीवीएट बनाया और उस वीवीएट में टेनेंट्स का वो आ गया था कॉन्सेप्ट कि क्लास की जगह टेनेंट बनाओ तो एक सेपरेट फाइल नहीं बनेगी ऐसा। तो हमने टेनेंट मतलब किस बेसिस पे ये डिफर करते हैं लाइक क्लास क्या करती है कि क्लास का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो स्ट्रक्चर के लिए एक फाइल बनाते हैं, वीवीएट का इंटरनल वो है ये मतलब कोड बेस्ड अच्छा। लॉजिक। लेकिन टेनेंट में क्या होता है क्लास एक ही रहती है तो वो फाइल एक फाइल के अंदर ही सारा कुछ मैनेज करता है वीवीएट, तो मल्टीपल फाइल्स नहीं बनती। जो हमें इशू आ रहा था डिस्क से रैम में माउंट करने में उसमें था कि नंबर ऑफ फाइल पॉइंटर्स की लिमिट रीच हो जाती थी वीएम की जो मशीन होती है ना उसके अंदर लाइक लिनक्स में फाइल पॉइंटर्स होते हैं कितने फाइल पॉइंटर्स ओपन रह सकते हैं उस फाइल पॉइंटर्स को खोलना पड़ता था राइट या हर फाइल को खोलना पड़ता था। तो वीवीएट का कोड तो हम इतना इंटरनली चेंज नहीं कर सकते और चेंज करेंगे तो उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते इतनी जल्दी और लोग हमें गाली दे रहे हैं टेक्निकली क्योंकि प्रोडक्शन में हम डाउन कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक नया वीवीएट लिया सारा डेटा उसके अंदर इंजेस्ट करने शुरू कर दिया। अब डेटा इंजेक्शन के लिए भी ऐसा स्ट्रक्चर हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ा कि हमें एक लाइव टेल होते लाइक जैसे जस्ट शेयर माय स्क्रीन काफी इंटरेस्टिंग था इसके ऊपर आई थॉट कि ब्लॉग लिखेंगे लेकिन फिर इट्स लाइक हमें टाइम नहीं मिला क्योंकि वी गो क्वाइट ब्लॉग ब्लॉग काफी हेल्प करेगा या इट्स लाइक जैसे ये वीवीएट V1 है
जो क्रैश कर गया था, राइट? एक वीवेट वी वाला हमने खुद डिप्लॉय करा था माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पे, और वीवेट टू हमने वीवेट से लिया, लाइक जो वीवेट डॉट क्लाउड से, लाइक उनका सेल्फ मैनेज था, ना किसकी स्केलिंग और की अप टाइम अवेलेबिलिटी को मेंटेन हमें खुद नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, और ये फॉर एग्जांपल एक डेटा है, डेटा सोर्स, इसके अंदर ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख यूजर्स का डेटा है। तो हमने क्या करा, क्योंकि ये वीवेट तो बिल्कुल डेड हो गया था, ये वीवेट टू हम यूज करने शुरू कर दिया, हमने डेटा सोर्स एक क्यू में बिठाया और क्यू से इसको इस वीवेट में इंजेस्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऊपर जो एआई प्रोसेसिंग लेयर है, उस प्रोसेसिंग लेयर की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के ऊपर जाते ही रेट लिमिट एरर्स आते हैं या फिर आउट ऑफ मेमोरी चले जाते हैं सर्वर हमारे एआई मॉडल्स के। तो इसको हमने क्यू में डाला और क्यू को कंट्रोल करके रखा कि बहुत ज्यादा स्केल अप ना हो सिस्टम, क्योंकि अगर स्केल अप हो गया तो वो क्रैश कर जाएगा, राइट? और उसको हमने नई वीवीएट में डालना शुरू कर दिया। अब हमारे पास नया वीवीएट तैयार हो गया, ये वाला। अब मेन इश्यू पता क्या था, ये सारा काम हो गया 2 दिन के बाद। अब बॉटसोनिक को हम एक अलग एप्लीकेशन बनाना चाहते थे, नया स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। तो हमने इसको, ये वीवीएट लाइव है, इसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, ये यूजर्स हैं, ये यूजर्स इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और हमने एक W3 बनाया जो सस्ते वाला था, थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ वीवीएट के साथ कस्टम डील स्ट्राइक करके। अब हमने W3 के अंदर डाटा को माइग्रेट करना है इस वीवीएट से, क्योंकि ये वीवीएट टेम्परेरीली बनाया था हमने, जो वीवीएट क्लाउड से लिया था। इस वीवीएट की कॉस्ट इस वीवीएट से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स थी, तो हमें कॉस्ट परस्पेक्टिव पे और यूजर को पता नहीं लगना चाहिए कि डाटा माइग्रेट हो रहा है, कोई डाउन टाइम, क्योंकि ऑलरेडी हम काफी बदनाम हो चुके थे हम। तो हमने क्या करा, जो ये वीवीएट में डाटा इंजेक्शन पाइपलाइन है, पाइपलाइन इज लाइक एक क्यू है इस वीवीएट यूजर्स के अंदर, और वीवीएट के अंदर एक क्यू है जो यूजर क्यू में मैसेज डालता है और क्यू वीवीएट को ट्रेन करता है या फिर वीवीएट में स्टोर करता है। अब इस वीवीएट से हमने सारा डाटा निकाल के क्यू में डाला, ठीक है, और इस क्यू को यहाँ पे डालना शुरू कर दिया इसमें। लेकिन अब दिक्कत पता क्या है, इस क्यू से इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट 1 दिन लगना है फॉर एग्जांपल, और उस 1 दिन में यूजर्स ने नया डाटा इस वीवीएट में डाल देना, ठीक है, करेक्ट। तो हमें इस यूजर से एक नया क्यू बनाना पड़ा, इसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी क्यू या फिर कुछ, या फिर टेलिंग। ये मतलब उसी 1 दिन के डेटा को स्टोर करेगा जब ये हमें माइग्रेशन में लगे हुए, राइट? हाँ, और उसको भी इस वीवीएट पे लेके जाएगा। और इसमें पता क्या चीज होगी, लाइक जो नए रीड्स हो रहे हैं, तो रीड सिर्फ इसी क्यू से, इसी वीवीएट से हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है, रीड्स। और जो राइट्स हो रहे हैं, तो एक तो ये राइट हो गया, राइट वन, और एक ये राइट हो गया, राइट टू। तो राइट वन और राइट टू दो क्यों हो रहे हैं, रिडंडेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने इस पे शिफ्ट करना है, और जो हमने इसका स्नैपशॉट लिया हुआ है, उस स्नैपशॉट के बाद हम इसको अपडेट नहीं कर रहे, मतलब हमने इसकी कॉपी बनाई एक W2 की कॉपी में से नए क्यू में डाटा डालने लग गए नए वेवेट के लिए ऐसा। और जो उसके बाद नया राइट आ रहा है, उसको हमने W3 में डालना शुरू कर दिया ऐसे, ताकि कुछ भी हम मिस ना कर पाए, मतलब कोई भी उसमें डेल्टा ना आए चीज में, डबल श्योर हो रहे हैं ना। हाँ, डबल श्योर हो रहे हैं, मतलब इधर भी डाटा राइट हो रहा है, इधर भी राइट हो रहा है, और रीड सिर्फ इधर से हो रहा है, जब तक ये क्यू और ये क्यू खाली नहीं हो जाते। जैसे ही W2 वाला क्यू खाली हुआ, हमने वेट करा कि इसके अंदर मैसेजेस मिनिमम हो जाए, जैसे ही इस टेलिंग क्यू के और इस क्यू के मैसेजेस मैच कर गए आपस में, लाइक इसमें भी मान लो 600 मैसेज है, उसमें भी 600 मैसेज है, तो हमें एक श्योरिटी हो गई कि ये W2 जो हम यूज कर रहे थे ये वाला, क्योंकि ये वाली तो हमने कॉपी बनाई थी, मान लो आज कॉपी बना ली, तो कल तो ये कॉपी दोनों सेम नहीं ना रहेंगी, करेक्ट करेक्ट। तो हमने इंश्योर करा कि ये W2 और W3 एक ही लेवल पे आ गए, जैसे ये एक लेवल पे आ गए, तो जो रीड्स थे ना, रीड्स हमने यहाँ से शुरू कर दिए करने, और हमने फिर टेस्टिंग करी, उसके बाद हमने ये सारा सिस्टम उठा दिया और स्टेलिंग क्यू को चेंज करके इसकी जगह मेन क्यू बना दिया, और राइट हमारा सिंगल हो गया ऐसा। तो हमने ऐसा एक सिस्टम डिजाइन करा, इसको अलग अलग पाइपलाइन से बनाया, और हमने ऑलमोस्ट दिन रात लग के बनाया, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन में जो ये
ये वाला क्यू था ना, ये था W3 जो W2 था जो हमने वेवियट से खरीदा हुआ था, लाइक डॉट क्लाउड ऐसा कुछ है। ये काफी एक्सपेंसिव होता होगा राइट? एक्सपेंसिव तो है लेकिन ये भी क्रैश कर रहा था। वही टाइम आउट जो ये इंटरनली क्रैश कर रहा था, ये भी दो तीन घंटे के लिए डाउन हो जाता था जो वेवियट ने खुद होस्ट करा हुआ, और वेवियट वाले लोग भी sort of हमसे माफिया मांग रहे हैं, हम अपने यूजर से माफिया मांग रहे हैं, तो माफियों की एक अलग पाइपलाइन बनाई हुई थी हमने जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में नहीं है बट मैसेजेस में ईमेल्स पे करना पड़ा अपने को ऐसा। Nice. Very nice. तो ऐसी काफी चीजें हैं जो हमें सोचनी पड़ती हैं, फिर माफिया पे बैकएंड में फटाफट डिसीजन भी लेना पड़ता है और डिसीजन की एक्यूरेसी को भी वो रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बैकएंड स्केलेबल नहीं है तो हम लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकते। सो लेट्स से एक मेरा क्वेश्चन है, लेट्स से कि अपन एक ट्रेडिशनल डेटाबेस यूज ले रहे हैं, मे बी अराउंड SQL, ठीक है? तो SQL में क्या है कि आपने बैकएंड पूरा लिख लिया बट एक टाइम पे सर्टेन लेवल पे अपन को एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी डिजाइन करनी है, और वो कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है डेटाबेस लेवल पे पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इतना मतलब अपन ने कॉम्प्लेक्स कर दिया है और अपन को इतना कॉम्प्लेक्स डेटा लेना है तो वो डेटाबेस लेवल पे क्वेरी नहीं कर सकते। तो या तो ये कि पूरा डेटा होता है कि लाइक टेबल से एक्सट्रैक्ट करो और फिर लाइक बैकएंड लेवल पे उस पर वो लॉजिक लगाना, कंप्यूटेशन लिखना, तो ये अप्रोच करना बेटर है अगर बैठ कर कर सकते हैं तो फिर इसमें ये कि कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा लगेगी एंड देन सर्वर कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और लाइक मेरे को सर्वर के रिसोर्सेज एलोकेशन है वो ज़्यादा करने पड़ेंगे, किसी यूजर को उसके पूरे दिन की समरी देनी है कि उसके कितने मैसेजेस गए या फिर उसने जैसे ग्रामरली करता है ना कि आपके आपने इतने वर्ड करेक्ट करे या ये कुछ, वो सारा डाटा क्वेरी करके एक प्रॉपर रिस्पॉन्स बना के लेके आना है, उसको वो एसिंक्रोनसली एक अलग सर्वर पे करते हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट नहीं चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा हमें फास्ट रिजल्ट चाहिए तो हमें एक सॉर्ट ऑफ पैरेलल डाटाबेस मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप मेन डाटाबेस में डाटा डाल रहे हो RDS में, साथ ही इलास्टिक सर्च में या कहीं और डाटा डालना शुरू कर दिया, जहाँ पे वो चीज़ मान लो आपने ब्राइटसॉनिक में अपने पास केस आता जहाँ पे हमने RDS को और MongoDB को ज्वाइन करना है, राइट? तो टेक्निकली हम RDS और MongoDB को ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक? और अगर हम दोनों में से क्वेरी करने के बाद ज्वाइन करते हैं तो वो काफी कॉम्प्यूटेशनली हैवी चीज हो जाती है, क्योंकि इधर 10 लाख रोज है, उधर 10 लाख कलेक्शन है या फिर डॉक्यूमेंट्स है, दोनों को कंबाइन करके डेटा बनाना है। तो हमने क्या करा, हमने राइट टाइम पे जहाँ पे राइट हो रहा है दोनों में एक थर्ड इंडेक्स बना दिया, एक ऑक्सिलरी डाटाबेस, जिसका काम क्या है, सिर्फ जो ज्वाइंट डाटाबेस है, मतलब मान लो यूजर एक RDS में है और उस यूजर की चैट का कंटेंट सारा, क्योंकि थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड सा डेटा होता है ना, तो वो सारा MongoDB में, फॉर एग्जांपल, तो हमने उसको यूजर को उसकी सारी चैट्स दिखानी है एग्जैक्टली, मतलब इमीडिएटली जब जैसे वो अपनी चैट की हिस्ट्री देखता है, तो हमने यूजर और चैट डाटा, यूजर को और चैट डाटा को कंबाइन करके क्वेरी बनानी है जो पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने एक तीसरा डाटाबेस बनाया जो NoSQL भी हो सकता है, SQL भी हो सकता है, उस तीसरे डाटाबेस में दोनों को कंबाइन करके राइट करना शुरू कर दिया, तो हमें एक रिडंडेंसी मेंटेन करी जिससे हम फटाफट क्वेरी कर सकें, राइट? या तो ऐसे अलग अलग स्ट्रेटजीज हम डिवाइस करते हैं, बाकी बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड करता है कि हमारा एग्जैक्ट यूज केस क्या है, राइट? क्या तो कुछ और रह गया हो किसी और के कोई क्वेश्चन? काफी सही था, आई थिंक हमें और ऐसे सेंस लेने चाहिए अनुभव, राइट? श्योर श्योर, आई एम ऑल डाउन टू थिंग्स, मैं भी ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूं, कैन टॉक देयर, मे बी वी कैन होस्ट अनदर मीटअप ऑन माइक्रो सर्विसेज वर्सेस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, या वो थोड़ा सा रह गया अपना क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक बन सकते हैं, बिकॉज़ आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, बिकॉज़ अभी जो डेटाबेस पे डिस्कशन हो रहा है तो अगेन लाइक माइक्रो सर्विसेज में देयर आर मल्टीपल थिंग्स, कि एक सिंगल डेटाबेस जो मल्टीपल सर्विसेज को हैंडल करेगा, फिर डेडिकेटेड डेटाबेस फॉर द इंडिविजुअल सर्विसेज,
So yeah, we can like discuss in upcoming meeting, definitely. Or koi question kisi ke? हाँ, एक मेरा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन से ज्यादा सजेशन काइंड ऑफ कि जैसे खुद से लर्निंग करने के लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स एक ब्लॉग से एक तरीका है, और ऐसे क्या सोर्सेज हो सकते हैं, मतलब इसमें हम जान सकते हैं कि अलग अलग कंपनीज कैसे चीजों को हैंडल कर रही हैं। व्हाट आई एडवाइस इज फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें बहुत अच्छी मेंटरिंग चाहिए या फिर तुम्हारी करंट जॉब प्लेस पे कोई अच्छा मैनेजर नहीं है या फिर कोई सीनियर रोल नहीं है या फिर तुम्हें मतलब यू जस्ट फील अ गैप, तो गो टू ओपन सोर्स, वहाँ पे तुम्हें अच्छे अच्छे मेंटेनर मिलेंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी का कोड मिलेगा जहाँ से अपने को सीखने को बहुत चीजें मिलती हैं। मान लो मैंने राइट सोनिक ज्वाइन करी तो आई वाज जस्ट सेकंड ऑन द टीम, मेरे ऊपर एक सीनियर इंजीनियर था, ही इज फ्रॉम चाइना, तो लैंग्वेज का टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा इशू है, वो गूगल मीट पे भी ना मतलब कैप्शन से ही पढ़ पाता है जो हमारा सीनियर इंजीनियर है, तो अपने पास सीखने के लिए बहुत कम वो था गाइडेंस या फिर जो पर्सनलाइज मेंटरशिप होती है, तो उस मेंटरशिप को या उस कमी को पूरा करने के लिए मान लो तुम्हारे पास जॉब नहीं है अभी या फिर जॉब है तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है टीसीएस में या फिर बहुत रेपिटेटिव सा चीज है, जस्ट गो टू ओपन सोर्स, वहाँ पे अच्छा कोड मिलेगा, अच्छी कोड क्वालिटी मिलेगी, काफी अच्छे मेंटर्स मिलेंगे जहाँ से अच्छी सजेशंस और फीडबैक से तुम सीख पाओगे, एंड इट्स ऑल फ्री, दैट्स द गुड थिंग। That's the power of the open source communities. Yeah. Any other questions? कोई भी? Okay. So I guess we can wrap up the sessions. Thank you so much, Anubha. बहुत अच्छा interaction रहा. It's really बहुत ज़्यादा अच्छे points जो capture करे. और डेफिनेटली लाइक आप सबके आइडियाज कुछ ना कुछ चेंज हुए होंगे विजन इन टर्म्स ऑफ बैकिंग मेकिंग विद बैकएंड लॉजिक एंड ऑल, सो थैंक यू सो मच अनुभव एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म एंड यू विल गेट द मेल फॉर द फीडबैक एज वेल एज फॉर द रिकॉर्डिंग लिंक एंड या लाइक इन द नेक्स्ट वीक एक अनदर मीटअप हम करा रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम डिजाइनिंग पार्ट, लाइक हाउ वी कैन डिजाइन द सिस्टम, लाइक कोड करने से पहले क्या क्या चीज़ों को सोचना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्या वर्क करना चाहिए, तो वो सारा सिस्टम डिजाइनिंग का पार्ट होगा, वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन लेटर वी कैन वर्क ऑन द माइक्रो सर्विसेज वर्क वर्सेस मोनोलिथिक एंड देयर आर मल्टीपल आर्किटेक्चर, सो वो वन बाय वन अपन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, सो टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ फिल द फीडबैक फॉर्म सो दैट वी कैन इम्प्रूव द लाइक फ्यूचर इवेंट्स एंड ऑल मल्टीपल थिंग्स, सो थैंक यू अनुभव, थैंक यू, टेक केयर। Yeah. Thank you.